नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो हमारी नई पीढ़ी में भारी रूप से पाई जा रही है। आजकल के बच्चे, एक तरफ तो कुछ बच्चे हैं जो तमाम टॉक शो, तमाम जो टीवी चैनल्स पर, प्राइवेट टीवी चैनल्स पर डांस शोज आते हैं, उसमें बहुत ही बोल्डली डांस करते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ऐसे बच्चों का है जो घरे में रहना पसंद करते हैं, किसी के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे आपको इन बच्चों में, इन बड़ों में इस समस्या को ठीक करने की, यानी सोशल फोबिया डिसऑर्डर यानी शाइनेस को ख़त्म करने की, शर्माने की स्थिति को ख़त्म करने की। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपके सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ख़त्म कर देंगी। और ये जो आपको समाज से जो है वो एक डर लगता है, समाज के बीच आने में डर लगता है, समाज के बीच अपनी बात कहने में डर लगता है, अपने को रखने में, प्रेजेंट करने में डर लगता है, उसको ख़त्म करके आपको बोल्ड बनाएगी। क्योंकि जब तक आप अपनी बात दूसरे से कहेंगे नहीं, दूसरा आपके बारे में कैसे जानेगा? अगर आप कहने में ही बात शर्माएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी बात को कहिए, जैसे हम इस वीडियो में आपसे अपनी बात कह रहे हैं, वैसे आप भी अपनी बात, जो भी आपके दिल में हो, वो लोगों से कहिए। हम आपको बताएंगे साथियों सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सोशल फोबिया डिसऑर्डर साथियों एक वह स्थिति होती है जब आपको समाज के बीच आने में एंजाइटी यानी बेचैनी महसूस हो, फियर यानी कि डर महसूस हो, एम्बैरेसमेंट महसूस हो यानी असहजता आपको लगे, आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। अगर यह स्थितियां आपके हैं तो यही सोशल फोबिया डिसऑर्डर है जो आम तौर पे होता है। इसमें व्यक्ति लोगों के बीच नहीं आना चाहता। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स इसके आदमी को एहसास होता है, ये हमको देख रहे हैं, ये हम ही को देख रहे हैं, और वो एम्बैरेस हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने विचार नहीं रखना चाहता, पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहता, जब कहीं बैठता है तो सबसे पीछे बैठता है कि कहीं उसको उठा के स्टेज पे ना बुला लें। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है यही सोशल फोबिया डिसऑर्डर है। जब आप समाज से कटे रहते हैं, समाज के बीच खड़े तो रहना चाहते हैं लेकिन समाज के बीच अपनी बात नहीं कहना चाहते, यही सिम्टम होता है सोशल फोबिया डिसऑर्डर का। साथियों, सोशल फोबिया डिसऑर्डर के तमाम कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है अमिग्डाला। अमिग्डाला ही आपको जो क्राउड में फियर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दूसरा कारण होता है इनहेरिटेड रिस्पॉन्स, कि आपका इनहेरिटेड ये चला आ रहा है अनुवांशिक तौर पे, कि जो है एक शर्माने वाली स्थिति पूरे परिवार में, पूरा परिवार ही शर्मिला है। और तीसरा आता है एनवायरमेंटल साथियों, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो आपके सारे हाव भाव को इफेक्ट करती हैं, और ये सोशल फोबिया डिसऑर्डर शाइनेस भी उससे अलग नहीं है। लेकिन साथियों, समस्या है तो उसका समाधान भी है। हम आपको बताएंगे आप में परिवर्तन लाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो परिवर्तन जो आप समाज का, जो आपको डर है समाज के बीच अपनी बात रखने से, हो सकता है आपकी बात ऐसी हो जो समाज जिसको बहुत अप्रिशिएट करे लेकिन आप उसको रख नहीं पा रहे हैं, उसको रखने के लिए आपके मानसिक स्थिति को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन साथियों यहाँ बता दें, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछ के ना लीजिएगा। दवा और सिम्टम होम्योपैथी में व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन भिन्न होते हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं उस सफर पे जिसमें कि हम आपको बताएंगे सोशल फोबिया डिसऑर्डर शाइनेस को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो आपको सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ठीक करने की है, शाइनेस को खत्म करने की है, वह है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया बहुत कारगर दवा है जब इसका मरीज लोगों के बीच आना ही नहीं चाहता, वह लोगों के बीच कोई भी काम नहीं कर सकता, उस स्थिति को, मरीज को ठीक करने की दवा एम्ब्राग्रेसिया है। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर, या अपना बच्चा जो कि बहुत शाइनेस हो, जिसको बिल्कुल वो किसी कॉन्सर्ट, किसी स्कूल के प्रोग्राम में पार्ट ही ना लेता, उसे आप एम्ब्राग्रेसिया दे सकते हैं। यह दवा उसको
इस शाइनेस यानी सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ख़त्म करेगी और उसको बोल्ड और समाज से लड़ने के लिए काबिल बनाएगी। एक साथ यूँ स्थिति आती है सोशल फोबिया डिसऑर्डर में कि आप आकलन ही करते रहते हैं, मतलब आपको पब्लिक के बीच में जाना है, आपके पब्लिक के बीच में जाने का मन है, लेकिन आप आकलन एनालिसिस ही करते रहेंगे कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं बोल पाऊंगा, और आपको कहीं भी जाने से पहले मोशन करने, पार्टी करने एक बार जाना पड़ता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आप आकलन में ही समय खराब कर देते हो और जनता के बीच ना जा पाते हो, आपको डर लगता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ख़त्म करेगी, आपके शाइनेस को ख़त्म करेगी और आपको चुस्त बनाएगी, और बहुत ज़्यादा सोचे बिना आप अपनी बात को सभा में, जनता में, लोगों में, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में अपनी बात को रख पाएंगे। फिर साथियों, कंडीशन आती है दिमागी स्थिति कभी कभी कि मरीज जो सोशल फोबिया डिसऑर्डर का शाइनेस का मरीज होता है वो बड़ी मजबूती से स्टेज तक जाता है अपनी बात को रखने के लिए या लोगों के बीच जाता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जब जाता है तो फ्लॉप हो जाता है। फ्लॉप मीन्स फिर वापस लौट आता है। तो अगर यह स्थिति हो कि वो अपने को अश्योर तो करता है कि मैं स्टेज पर जाऊँगा तो बड़ा अच्छा बोलूँगा, लेकिन जब स्टेज पर जाता है तो कुछ नहीं बोल पाता, अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसके कब्जियत रहती हो, जो शर्माता हो, अपने को अश्योर करता हो कि मैं स्टेज पहुंचूंगा तो मैं परफॉर्म करूंगा, लेकिन स्टेज से बगैर परफॉर्म करे लौट आ जाता हो। एल्यूमिना के मरीज को सर्दी भी बहुत लगती है और उसको परेशानी भी बहुत होती है, तो आपकी टग ऑफ द चॉइस एल्यूमिना है। अगर आप शर्माते हैं स्टेज पर पहुँचने के बाद, जब तक नहीं पहुंचते, जब तक जब सब ठीक रहता है लेकिन स्टेज पे चढ़ गए तो शर्मा जाते हैं, तो एल्यूमिना आपको ठीक करके आपकी शर्माहट को ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है तो आपको पैनिक अटैक्स आने पड़ते हैं, आपके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप लोगों के बीच में जाने के विचार या जाने के मौके पर आपकी धड़कन बहुत बढ़ जाए, दिल धक धक करने लगे और आपको डर और घबराहट होने लगे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा एकोनाइट नेप्लस है। एकोनाइट 32 बूंद दिन में 3 बार आप दे दीजिए, आपकी दिल की धड़कन भी सामान्य हो जाएगी, आपका सोशल फोबिया भी ख़त्म होगा, आपकी शाइनेस भी ख़त्म होगी और आप जनता के बीच जाके अपनी बात मजबूती से या लोगों बीच, किसी भी अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच भी अपनी बात बिना शर्माए कह सकेंगे। फिर साथियों, दूसरी स्थिति आती है कि कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक के बीच में बोल नहीं सकते, जनता के बीच में अपनी बात नहीं बोल सकते, अगर 500-500 लोग हैं तो वो बोल नहीं पाएंगे। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सैलीसिया। आप सैलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आप पब्लिक के बीच बोल नहीं पाते हैं, पब्लिक के बीच स्पीच नहीं दे पाते हैं, पब्लिक के बीच अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो आपकी दवा सैलीसिया है। आप सैलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे के अपनी इस सोशल फोबिया डिसऑर्डर यानी कि शर्माने की स्थिति को, यानी शाय रहने की स्थिति को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि जो सोशल फोबिया डिसऑर्डर के कुछ मरीज होते हैं जो अपने को किसी काबिल ही नहीं समझते हैं, इसलिए वो जनता के बीच नहीं आते हैं। तो अगर आपके मन में यह विचार आता हो कि आप नाकाबिल हैं, किसी काम के नहीं हैं, किसी काबिल नहीं हैं, तो आप लोगों के बीच जाके क्या करेंगे, तो उस विचार को ख़त्म करने की और आपके सोशल फोबिया डिसऑर्डर यानी शाइनेस को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके सोशल फोबिया डिसऑर्डर को ख़त्म करेगी, आपके मन की हीन भावना को ख़त्म करेगी जिसके कारण आप पब्लिक के बीच नहीं जा पा रहे हैं, आपका पेट खराब होगा, पेट में गुड़ाहट होगी तो उसको सही करेगी, अगर आपके चेहरे पे झाई पिगमेंटेशन होगा उसको सही करेगी, अगर आपकी मर्दाना ताकत कम होगी उसको सही करेगी। तो लाइकोपोडियम इतनी काम की दवा है। एक बार इसको अगर आप अपने में हीन भावना महसूस करते हैं तो सोशल फोबिया डिसऑर्डर के केस में अवश्य लें। एक स्थिति साथियों आती है कि जब बच्चा इतना शर्माने वाला होता है, उसको सोशल फोबिया डिसऑर्डर होता है कि वो क्लास में सबसे पीछे बैठता है और छिपा हुआ बैठता है, कहीं उसको बुला के बोर्ड पर कुछ लिखवा ना लें। तो अगर यह स्थिति होती है आप में कि आप इतने ज़्यादा शाही हों और छिप के क्लास में बैठते हों, डर के बैठते हों, घबराहट में बैठते हों, हर समय आपको डर बना रहता हो कि कहीं टीचर उठा ना दे,
तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर वनियम की 3 खुराक बच्चे को 55 मिनट के फासले पर दे दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद बच्चा सबसे आगे वाली रो में बैठने की जिद करेगा और चाहेगा टीचर हमको उठाए, मैं 70 बच्चों के बीच में अपनी बात कहूं और तालियां बजे, मैं हेड मॉनिटर बनूं, मॉनिटर बनूं, हेड बॉय बनूं, हेड गर्ल बनूं। तो सल्फर एक मिरेकुलस दवा है ऐसे लोगों के लिए जो छिपे छिपे किनारे सबसे आखिरी सीट पर बैठते हैं और शर्माते रहते हैं कि कहीं उन्हें आगे बुला लिया जाए। एक साथियों स्थिति आती है कि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपके दिमाग में खालीपन रहता है, एक एम्प्टीनेस ऑफ माइंड होने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो कि जब आप जनता के जाने से पहले सब भूल जाते हो, जो आपको बोलना है, जो आपको कहना है, आप सब भूल जाते हो और माइंड में खालीपन सूनापन आ जाता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जैल्सीमियम सरपाइनम। जैल्सीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपके एम्प्टीनेस ऑफ माइंड है, दिमाग में खालीपन महसूस हो रहा है जनता के बीच जाने में और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह शर्माने को ठीक करने की दवा जैल्सीमियम है। जैल्सीमियम का मरीज को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस रहती है, उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती और वह जैल्सीमियम का बच्चा एग्जाम जाने से पहले सब कुछ भूल जाता है और काफ़ी खाली छोड़ आता है। तो इस तरह का जो एम्प्टीनेस ऑफ माइंड है, यह आपका सोशल फोबिया डिसऑर्डर को इस तरह का ठीक होगा जैल्सीमियम से और आप कॉन्फिडेंटली याद करके अपनी बात लोगों के बीच कह सकेंगे। ये साथियों को दवाएं थी आपके मन की हिचकिचाहट को दूर करने की, आपको इस समाज से लड़ने के लिए कैपेबल बनाने की। क्योंकि मैं फिर कहूँगा, आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो सामने वाले को राजी कैसे करेंगे अपनी बात पे? चुप रहेंगे कैसे राजी करेंगे? हम आपसे कह दें मन में हंसिए, आप नहीं हंस पाएंगे, हम भी नहीं हंस पाएंगे। हंसी तो तभी आएगी जब हम मुंह खोल के हंसेंगे। इसी तरह जब हम अपनी बात लोगों के बीच रखेंगे तभी तो हम अपनी बात समझा पाएंगे और हमें हक है अपनी बात समझाने का, अपनी बात रखने का। तो आप इस हक को लीजिए, अपनी बात रखिए, जो आपको सिम्टम मिले इन दवाओं में से आप इस्तेमाल करिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्राइब कराए उसके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी दवा इस्तेमाल ना करिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में या यूट्यूब में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लिनिक कोशिश करता है कि जल्द ही आप अपनी बात लोगों के सामने मजबूती से रखें। धन्यवाद।